ईयरफोन्स के बिना स्मार्टफोन अधूरा है, लेकिन इनका हमेशा से टूटने का या उलझने का डर लगा रहता है, और इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरलेस ईयरफोन्स को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में साउंड एक्सेसरीज और म्यूज़िक डिवाइस बनाने वाली कंपनी ब्लॉपंक ने अपना नया वायरलेस ईयरफोन BTW-01 बताया है। तो कैसा है ये ईयरफोन, देखते रहिए वीडियो, हम बताएंगे आपको। मैं हूँ हार्दिक बंसल और आप देख रहे हैं ज़ी बिज़नेस। ब्लॉपंक BTW-01 दिखने में बेहद सिंपल और छोटे हैं। मैं 5.5 ग्राम के वजन वाले ये ईयरबड्स इतने हल्के हैं कि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ईयरबड्स लगाए भी हैं या नहीं। इन्हें कनेक्ट करने के लिए आपको बस अपने फोन का ब्लूटूथ एक्टिवेट करना है और पेयर करना है किसी एक ईयरफोन से। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली दूसरे ईयरफोन से कनेक्ट हो जाएगा और आप इजीली इन्हें यूज कर पाएंगे। म्यूजिक प्लेबैक, वॉइस कॉल आंसरिंग और वॉइस असिस्टेंट यूज करने के लिए आपको बस इसके ऊपर दिए गए टाइनी स्पॉट को टच करना है, जो पलक झपकते ही आपका काम आसानी से कर देगा। इन क्यूट से लिटिल ईयरफोन्स को आप कैरी कर सकते हैं इसके साथ मिलने वाले कैरिंग केस में, जो इसका पावर बैंक कम चार्जिंग केस भी है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये दिखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन ऑडियो के मामले में आपको किसी पार्टी की फील दे सकते हैं। इसका क्लीन बेस, शार्प साउंड और रिच ऑडियो क्वालिटी एक प्रीमियम वायरलेस ईयरफोन्स जैसी फील देती है। हालांकि इसका ट्रेबल क्वालिटी थोड़ा लाउड है, जो कभी कभी आपको इरिटेट कर सकता है। इसे चार्ज करने के लिए आपको बस इन ईयरफोन्स को केस में फिट करना है और चार्ज शुरू। केस को फुल चार्ज करके आप ईयरफोन्स को 2 से 3 बार आराम से चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल ईयरफोन्स आपको आराम से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं, जो इसे बेहद यूजर फ्रेंडली बनाता है। ब्लॉपंक BTW-01 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आप ऑनलाइन 5,999 रुपए में खरीद सकते हैं और कंपनी इस पे आपको 1 ईयर वारंटी भी देती है। तो ब्लॉपंक के ये वायरलेस ईयरफोन्स दिखने में जरूर छोटे हैं और डिजाइन सिंपल है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से एक बढ़िया साउंड क्वालिटी देते हैं। ओवरऑल अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में वायरलेस ईयरफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ईजी टू कैरी एंड ईजी ऑन पॉकेट एज वेल। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।